आप सभी जानते होंगे 1948 का जीव घोटाला भारत में करप्शन का पहला मामला था। वी के कृष्ण मेनन यूनाइटेड किंगडम में इंडियन हाई कमिश्नर ने प्रोटोकॉल की अनदेखी की और एक विदेशी फर्म के साथ आर्मी की जीपों की खरीद के लिए 80 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए। लेकिन 1948 से पहले जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था, एक और बड़े घोटाले की स्टोरी लिखी जा रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैसे देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए दान किए गए डायमंड्स, ज्वेलरी और बाकी कीमती सामानों से भरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रेजर उसी आर्मी के कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर गायब कर दिया। एलिजिटली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के राम मूर्ति और उसके भाई जे मूर्ति, बोस की प्रोविजनल गवर्नमेंट में पब्लिसिटी मिनिस्टर एस ए अय्यर और टोक्यो में ब्रिटिश एम्बेसी के कर्नल जॉन फिग्स ने ट्रेजर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए चलिए और डिटेल में जानते हैं स्कैम के बारे में। साउथ ब्लॉक में बंद और आधी सेंचुरी से भी ज्यादा टाइम से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से प्रोटेक्टेड भारत के सबसे पुराने घोटाले के सीक्रेट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कैश, गोल्ड और ऑर्नामेंट्स के बारे में सीरियस सस्पिशन पैदा करते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आर्म्ड स्ट्रगल को फाइनेंस करने के लिए इकट्ठा किए थे। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का सेकंड और लास्ट पार्ट जरूर देखें। 29 जनवरी 1945 को बर्मा की कैपिटल रंगून में बसे इंडियंस ने एक ग्रैंड वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन किया। आजाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड नेताजी का यह 48 बर्थडे था और इसी इवेंट में नेताजी वॉज वेटेड अगेंस्ट गोल्ड। ह्यू टाय ने अपनी बायोग्राफी द स्प्रिंगिंग टाइगर, द इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस में लिखा के उस वीक 2 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन किया गया जिसमें 80 किलोग्राम से ज्यादा सोना शामिल था। INA के लिए फंडरेजर ड्राइव कोई नई बात नहीं थी। नेताजी चाहते थे कि उनकी 2 साल पुरानी गवर्नमेंट अपने सैनिकों की फाइनेंसिंग के लिए जापानियों पर कम से कम डिपेंडेंट हो और हेल्प के लिए उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में बसे इंडियंस की तरफ रुख किया। नेताजी ने अपनी पर्सनैलिटी, इमोटिव स्पीचेस और कम्युनिटी से फंड रेजिंग के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस के अपने कमिटमेंट पर भरोसा किया। मधुश्री मुखर्जी अपनी 2010 की बुक चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती है, नेताजी के स्पीच देने के बाद हाउसवाइफ्स आती थी और फ्रीडम के कॉज के लिए दे स्ट्रिप देयर आर्म्स एंड नेक्स ऑफ गोल्ड। 21 अगस्त 1944 को रंगून में फंड रेजिंग वाली एक ऐसी ही पब्लिक मीटिंग के बारे में उस दिन के न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि हीराबेन बेतानी ने 1.5 लाख रुपए के अपने 13 सोने के हार और हबीब साहब ने नेताजी फंड में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट की अपनी सारी संपत्ति डोनेट कर दी। एक और INA फंडर रंगून बेस्ड बिजनेसमैन वी के चेलिया नादर ने आजाद हिंद बैंक में 42 करोड़ रुपए और 2,800 सोने के सिक्के डोनेट किए। नेताजी ने 20th सेंचुरी में किसी भी इंडियन लीडर द्वारा सबसे बड़ा वॉर चेस्ट खड़ा किया था। लेकिन 1945 में अलाइड नेशन के अटैक के सामने जापानी आर्मी और INA चरमरा गई। रंगून, आजाद हिंद बैंक का हेडक्वार्टर अलाइड फोर्सेस के हाथ में आ गया था। नेताजी 24 अप्रैल 1945 को अपने साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट की ट्रेजरी लेकर बैंकॉक लौट गए। वो कितना सोना लेकर गए थे इस पर कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स हैं। आजाद हिंद बैंक के चेयरमैन दीनानाथ से वॉर के तुरंत बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पूछताछ की एंड ही सेड नेताजी लेफ्ट विद 63.5 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड देवनाथ दास ने 1956 में शाहनवाज कमेटी ऑफ इंक्वायरी को बताया कि नेताजी ने 1 करोड़ रुपए का ट्रेजर निकाला जिसमें ज्यादातर ऑर्नामेंट्स और गोल्ड बार 17 छोटे सील पैक बॉक्सेस में थे। INA के जनरल जगन्नाथ राव भोसले ने भी कमेटी को बताया कि नेताजी 6 स्टील के बॉक्स में पैक करके गोल्ड और कैश लाए थे। हबीबुर रहमान ने 1956 में शाहनवाज कमेटी के सामने नेताजी के लास्ट आवर्स को रिकाउंट करते हुए बताया कि प्लेन क्रैश में नेताजी घायल हो गए थे लेकिन प्लेन फ्यूल में भीगी हुई उनकी यूनिफॉर्म में आग लग गई जिससे वो सीरियसली इंजर्ड थे और प्लेन क्रैश के 6 घंटे बाद जापानी आर्मी के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। प्लेन में INA के गोल्ड से भरे 2 लेदर अटैचीज भी जल गए। एयरड्रोम के कमांडिंग ऑफिसर के सकाई के अकॉर्डिंग कलेक्टेड मटेरियल को 18 लीटर पेट्रोलियम कैन में डाला गया विच वेड अराउंड 16 किलोग्राम्स जिसे सील कर आर्मी हेडक्वार्टर्स लाया गया।
मटेरियल को लेफ्टिनेंट कर्नल शिबुया ने लकड़ी के बॉक्स में रखा था, जिसे बाद में बॉस के रिमेन्स के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल शकाई की कस्टडी में 5 सितंबर 1945 को टोक्यो भेज दिया गया। 8 सितंबर 1945 को लेफ्टिनेंट कर्नल ताकाकुरा ने ज्वेलरी के बॉक्स राममूर्ति को सौंप दिए। सितंबर 1945 के लास्ट वीक में हबीबुर और राममूर्ति ने बक्सा खोला, साफ किया और गहनों का वजन किया। वजन 11 किलो था। द वेट वॉज नोटेड डाउन एंड साइंड। लेकिन सवाल है कि नेताजी का ट्रेजर कहाँ गया? और ये नंबर पहले 80 किलो से 63.5 किलो और फिर जले हुए ऑर्नामेंट्स के 11 किलो के ढेर में कैसे बदल सकता है? ये दो क्वेश्चन है जिनका आंसर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी। वॉर में हारने के बाद ट्रेजर के सटीक नंबर का आना मुश्किल था और एलाइड नेशंस के हाथों में आने से बचाने के लिए INA और जापानीज डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट्स, जिसने पिक्चर को और कंफ्यूजिंग कर दिया। इंक्वायरी कमीशन INA ट्रेजर का सच जानने के लिए रिलाइड ऑन आई विटनेस अकाउंट। 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के तैयार किए 18 पेज सीक्रेट नोट में नेताजी के पर्सनल वैले कुंदन सिंह के अकॉर्डिंग ट्रेजर 4 स्टील के केस में था और उन केस का वजन 2 से 2.5 मन यानी लगभग 75 से 90 किलो था। नेताजी के बैंकॉक से साइगोन जाने से पहले इन बॉक्सेस को चेक किया गया था। बैंकॉक में IIL के एक नेता पंडित रघुनाथ शर्मा ने कहा कि नेताजी अपने साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना और कीमती सामान ले गए थे। ये प्लेन क्रैश में जले 2 चमड़े के सूटकेस के कंपैरिजन में क्लियरली बहुत ज्यादा था। इस बात को जानने वाले SA अय्यर, जो आजाद हिंद सरकार में पब्लिसिटी मिनिस्टर थे, वॉज विद नेताजी ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज। 22 अगस्त 1945 को जापान आर्मी से नेताजी की डेथ के बाद 2 बॉक्स लेने के लिए टोक्यो में IIL के फॉर्मर प्रेसिडेंट M राममूर्ति के साथ वो भी गए थे। उन्होंने नेताजी की अस्थियों को टोक्यो के रनकोजी टेंपल में जमा कर दिया और राममूर्ति कैप्ट द ट्रेजर। 4 दिसंबर 1947 को टोक्यो में इंडियन लाइजन मिशन के पहले हेड सर बेनेगल रामा राव ने विदेश मंत्रालय को लिखे एक लेटर में एक चौंकाने वाला आरोप लगाया कि M राममूर्ति ने IIL के फंड्स का गबन किया और नेताजी के कैरी किए वैल्यूएबल्स का मिसयूज भी किया। उस टाइम जापानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि कैसे राममूर्ति और उनके छोटे भाई जे मूर्ति कितना वैभवशाली जीवन जीते थे। दोनों भाइयों को अमेरिकी डॉलर में इलीगल डीलिंग्स के लिए पकड़ा भी गया था। ये दोनों भाई सेडान कार से ट्रेवल करते थे। सर बेनेगल रामा राव के अकॉर्डिंग युद्ध से बर्बाद जापान में ये एक अनयूजुअल साइट थी, लेकिन उन्हें लेटर का जवाब मिला कि इंडियन गवर्नमेंट INA फंड में इंटरेस्ट नहीं ले सकती है। सरकार को INA के खजाने में इंटरेस्ट केवल 4 साल बाद मई 1951 में हुआ। इसी टाइम अय्यर टोक्यो वापस आया था। ही सेड कि वो हॉलीडे पर आया है, लेकिन KK चाटूर, जो टोक्यो में इंडियन लाइजन मिशन को हेड कर रहे थे, उनका मानना था कि वास्तव में वो एक सीक्रेट एजेंडा के साथ जापान आया था। चाटूर ने न्यू दिल्ली को भेजे मैसेज में INA ट्रेजर फ्रेज का पहली बार जिक्र किया। पूछने पर अय्यर ने चैटूर को बताया कि उसे भारत सरकार ने 2 काम सौंपे हैं। पहला, ये वेरीफाई करना कि रनकोजी टेंपल में रखी एशेस नेताजी की ही थी, और दूसरा काम क्रैश्ड प्लेन से मिले गोल्ड ज्वेलरी को वापस इंडिया लाना था। विदेश मंत्रालय को भेजे एक मैसेज में चैटूर ने कहा कि लोकल इंडियंस अय्यर की वापसी और इन दो भाइयों मूर्तिज के साथ अय्यर के एसोसिएशन पर गुस्से से भर रहे हैं, क्योंकि दे बिलीव्ड के राममूर्ति और अय्यर दोनों का गोल्ड और ज्वेलरी के मिस्टीरियसली गायब होने से कुछ ना कुछ तो लेना देना था। अय्यर ने चैटूर को यह भी बताया कि INA के ट्रेजर का एक हिस्सा बच गया है और 1945 से राममूर्ति की कस्टडी में है। अक्टूबर 1951 में इंडियन एम्बेसी ने राममूर्ति के रेजिडेंस से INA ट्रेजर के रिमेन्स इकट्ठा किए। चैटूर ने अभी भी अय्यर राममूर्ति की कहानी पर विश्वास नहीं किया। नई दिल्ली को भेजे एक तार में उन्होंने अपने डाउट्स को लिखा भी। चैटूर का मानना था कि 1945 में पीस ट्रीटी के अर्ली कॉन्क्लूजन से घबराया अय्यर लूट को डिवाइड करने के लिए टोक्यो आया और सरकार को थोड़ी क्वांटिटी में सोना सौंपकर पूरे मामले को एक अलग मोड़ देने का उसका इरादा था। 22 जून 1951 को नई दिल्ली को अपने फाइनल कम्युनिकेशन में चैटूर ने नेताजी के कलेक्शन के गायब होने की जांच करने की पेशकश की। INA के खजाने में गड़बड़ी की पहली वार्निंग कुछ ही महीनों बाद आई। ये 1 नवंबर 1951 को RD साठे का लिखा गया 2 पन्नों का सीक्रेट नोट था। INA ट्रेजर्स एंड देयर हैंडलिंग बाय मेसर्स अय्यर एंड राममूर्ति ने कहानी को
समप किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काफी मात्रा में सोना और खजाना दिया गया था। उसमें से जो कुछ बचा था वो 11 किलो प्योर गोल्ड, 3 किलो गोल्ड मिक्स्ड विद मोल्टन आयरन और वहीं 300 ग्राम सोना और भी मिला, जिसे अय्यर साइगोन से टोक्यो में 1945 में लेके आया था। राममूर्ति से भारतीय अधिकारियों ने कई बार पूछताछ की, लेकिन ट्रेजर के और किसी एग्जिस्टेंस से उसने हर बार इनकार किया था। साठे ने एक आई विटनेस जिसने अय्यर के कमरे में बॉक्सेस देखने का दावा किया था, उसके हवाले से कहा कि जापान में अय्यर की गतिविधियां सस्पिशियस थी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रेजर का बड़ा हिस्सा साइगोन में क्यों छोड़ दिया गया था। साठे ने साइगोन से टोक्यो तक अय्यर के मूवमेंट्स की ओर इशारा किया कि बाद में इन बॉक्सेस का क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि हमें अय्यर से जो कुछ मिला है वो 300 ग्राम सोना और लगभग 260 रुपए हैं। साठे ने एक ऐसे रिश्ते को भी ग्रीन फ्लैग दिखाया जिसने ज्यादातर इंडियंस को सरप्राइज कर दिया था। ये थी राममूर्ति की ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल फिगेस क्लोजनेस। वो जब टोक्यो में जनरल डगलस मैकआर्थर के ऑक्यूपेशन हेडक्वार्टर में एक ब्रिटिश लाइजन ऑफिसर के रूप में तैनात थे, तो वो कौन सा ग्लू था जिसने कर्नल फिगेस और उनके पूर्व आईएनए दुश्मनों को एक साथ रखा था। ये साठे के लेटर में एक अजम्पशन है। ट्रेजर के इम्प्रॉपर डिस्पोजल के बारे में डाउट गहरा करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब टोक्यो में बाकी सभी इंडियन सिटीजन कड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो राममूर्ति की 1946 में समृद्धि और बढ़ रही थी। एक और फैक्ट जो बताता है कि ट्रेजर को इम्प्रॉपरली डिस्पोज किया गया, वो है कर्नल फिगेस का राममूर्ति को यूके में बसने के लिए इनविटेशन देना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पंडित नेहरू का इस पूरे मामले में क्या रोल रहा और जांच कमेटीज और आरबीआई का इस मामले में क्या स्टैंड था। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।